Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this average waiting time problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on द ब्लैक बोर्ड बिफोर कोडिंग द सोल्यूशन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में कस्टमर्स नाम का 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है. कस्टमर्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है अराइवल आई कॉमा टाइम आई. अराइवल आई इज़ द अराइवल टाइम ऑफ आईथ कस्टमर. मतलब आईथ कस्टमर इस अराइवल आई टाइम पे अराइव करेगा हमारे शॉप पे या फिर जो भी है शोरूम उस पर. ठीक है, और ये अराइवल टाइम्स जो हैं वो सॉर्टेड हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. अब यहाँ पे टाइम आई रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम नीडेड टू प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ आईथ कस्टमर. मतलब वो एक पर्टिकुलर अराइवल टाइम पे आएगा, अराइवल आई पे आएगा, और उसका ऑर्डर प्रिपेयर करने में हमें टाइम आई यूनिट्स ऑफ टाइम लगेंगे. अब जब कस्टमर आता है तो वो शेफ़ को ऑर्डर देता है और शेफ़ जैसे ही फ्री होता है वो उसका ऑर्डर प्रिपेयर करना चालू कर देता है और कस्टमर वेट करता है जब तक उसका ऑर्डर उसको नहीं मिलता है. ठीक है, अब एक ही हमारे पास शेफ़ है और वो मल्टीपल कस्टमर्स के ऑर्डर प्रिपेयर नहीं करता, एक बार में एक ही कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर करता है. द शेफ़ प्रिपेयर्स फूड फॉर कस्टमर्स इन द ऑर्डर दे वर गिवन इन द इनपुट. और वो उसी ऑर्डर में प्रिपेयर करेगा जिस ऑर्डर में अराइवल टाइम्स होंगे या फिर जिस ऑर्डर में हमें इनपुट में अराइवल टाइम्स दिए हुए हैं. हम लोगों को रिटर्न करना है द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल कस्टमर्स. तो हम लोगों को सारे कस्टमर्स का वेटिंग टाइम निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स से. तो अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो जो फर्स्ट कस्टमर है वो 1 पे आ रहा है. अब क्योंकि शेफ़ शुरू में तो फ्री ही है तो वो 1 पे उसका ऑर्डर बनाना चालू कर देगा और 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके उसको ऑर्डर वापस दे देगा. तो ऑर्डर कब वापस देगा? 3 पे दे देगा. तो ऑर्डर उसने लिया है 1 पे और 3 पे वापस कर रहा है. तो 3 माइनस 1 2 इज़ द वेटिंग टाइम फॉर फर्स्ट कस्टमर. अब ये जो सेकेंड कस्टमर है वो 2 पे अराइव कर रहा है लेकिन हमारा शेफ़ जो है वो तो 3 पे फ्री हो रहा है. तो जैसे ही 3 पे फ्री होगा वो 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके उसका ऑर्डर बनाना शुरू कर देगा और 8 पे डिलीवर कर देगा ऑर्डर. टाइम 8 पे, तो टाइम 8 पे डिलीवर कर रहा है और जो हमारा अराइवल टाइम है वो 2 है. तो इसका टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया? 6. अब जो हमारा थर्ड कस्टमर है वो 4 पे आ रहा है लेकिन हमारा जो शेफ़ है वो तो 8 पे फ्री हो रहा है. अब जैसे ही वो 8 पे फ्री होगा इसका ऑर्डर बनाना चालू कर देगा और 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके 11 पे ऑर्डर डिलीवर कर देगा. 11 पे ऑर्डर डिलीवर कर देगा और अराइवल टाइम क्या था? 4. तो इसको कितना वेट करना पड़ा? 7. तो हमारे टोटल वेटिंग टाइम्स कितने आ रहे हैं? 2 प्लस सेकेंड कस्टमर का 6 और थर्ड कस्टमर का 7 और टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इज 5 जो कि हमने रिटर्न किया है. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम सिम्युलेट करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को और देखने वाले हैं कि वेटिंग टाइम क्या आता है. तो यहाँ पे हमारा जो शेफ़ है वो टाइम 0 से हम मान लेते हैं कि स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, तो जैसे ही टाइम 1 हुआ तो एक कस्टमर आया. शेफ़ हमारा फ्री है, शेफ़ फ्री है तो वो 1 पे स्टार्ट करेगा ऑर्डर बनाना और 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके ऑर्डर बनाएगा. तो हमारा 3 पे ऑर्डर बन के प्रिपेयर हो जाएगा. पर क्योंकि हमारा 3 पे ऑर्डर बन के प्रिपेयर हुआ है उसका अराइवल टाइम 1 था तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 उसका हो गया वेटिंग टाइम. ठीक है, यहाँ पे जो वेटिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ वेटिंग टाइम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स और टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा शेफ़ किस टाइम पे फ्री होगा नेक्स्ट, है ना, एक कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर करने के बाद या फिर इनिशियली भी. अब सेकेंड कस्टमर आता है 2 पे लेकिन हमारा शेफ़ तो 3 पे फ्री हो रहा है तो 3 पे फ्री होगा और 5 मिनट्स ऑफ टाइम लेके ऑर्डर प्रिपेयर कर देगा तो 8 पे हमारा ऑर्डर मिल जाएगा. अब क्योंकि हमारा अराइवल टाइम 2 था और हमारा जो ऑर्डर है वो 8 पे मिल रहा है तो 8 माइनस 2 6 हम इस वेटिंग टाइम में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8. अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 पे आ रहा है कस्टमर. ठीक है, तो 4 पे आ रहा है लेकिन हमारा जो शेफ़ है वो तो 8 पे फ्री हो रहा है तो जैसे ही वो फ्री होगा वो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लेके प्रिपेयर कर देगा ऑर्डर तो 11 पे हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा. और 11 पे ऑर्डर डिलीवर हो रहा है पर हमारा जो कस्टमर है वो तो 4 पे आया था तो 11 माइनस 4 7 हम इसमें ऐड कर देंगे वेटिंग टाइम में. तो हमारा टोटल वेटिंग टाइम ऑफ ऑल द कस्टमर्स हो गया 15 और नंबर ऑफ कस्टमर्स है हमारे 3
तो एवरेज वेटिंग टाइम आ गया 5, जो कि हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसको अब एकदम फटाफट से कोड करके देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। एक ले लेते हैं डबल टाइम, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा शेफ़ कब फ्री हो रहा है, और एक रहेगा डबल वेटिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ वेटिंग टाइम्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स। अब ले लेते हैं फॉर कस्टमर, इंट कस्टमर, एक्चुअली इंट कस्टमर एरे इन कस्टमर्स। इफ हमारा जो कस्टमर का अराइवल टाइम है दैट इज 0 इज लेस देन हमारा टाइम, तो हम क्या करेंगे, हमारे टाइम में ऐड कर देंगे कस्टमर 1। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, हमारा टाइम हो जाएगा कस्टमर 0 प्लस कस्टमर 1। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जब हमारा अराइवल टाइम टाइम से कम है, दैट मींस हमारा टाइम को हम इंक्रीमेंट करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम्स लग रहे थे, यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहे थे हमारे इस कस्टमर के ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए, वो हम हमारे करेंट टाइम में ऐड कर देंगे। और अगर टाइम कम है लेकिन और कस्टमर लेट आ रहा है, कस्टमर लेट आ रहा है का क्या मतलब है कि हमारे टाइम से कस्टमर 0 या फिर अराइवल टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन हमारा टोटल टाइम क्या होगा जिस पे हम डिलीवर करेंगे ऑर्डर, वो होगा कस्टमर 0 प्लस कस्टमर 1। जैसे कि इस केस में हो रहा था, जब हमारा इनिशियली टाइम 0 था, इनिशियली टाइम 0 से हमारा अराइवल टाइम 1 था, तो हम 0 में 2 ऐड नहीं कर रहे थे, हम 1 में 2 ऐड करके इसको 3 बना रहे थे, ये चीज़ करी हुई है। ठीक है, तो ऑर्डर डिलीवर कब होगा, अगर हमारे टाइम से ज़्यादा है अराइवल टाइम, तो अराइवल टाइम प्लस जितने यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहे हैं तब डिलीवर होगा, और अगर टाइम ज़्यादा है तो हम जितने यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। अब वेटिंग क्या होगा, जिस पे डिलीवर हो रहा है माइनस जो अराइवल टाइम था दैट इज़ कस्टमर 0। ठीक है, अब लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, वेटिंग प्लस इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे वेटिंग डिवाइड बाय कस्टमर्स डॉट लेंथ। अब रन करके देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।